गदकता रहो तो जब राहुल गांधी ने दिल्ली से श्रीनगर जाने का ऐलान किया और उनके साथ तो 11 जमातों का या 11 नौकरी वफद भी था और श्रीनगर एयरपोर्ट पे जिस तरीके से उनके साथ हुआ तो इस चीज़ ने बहुत पब्लिसिटी जो है इसको इस वाक्य को मिली। इसके साथ ही मैं समझूँ कि उनका जो दौरा था वो तो एक सियासी स्टंट था, लेकिन जो मैं चीज़ से नतीजा हासिल कर रहा हूँ ये कि बहुत ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया कि 370 का खात्मा मैं समझता हूँ कि ये गुलामी की एक कड़ी टूटी है, इसके ऊपर हम कश्मीरों को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें हमारी मांग बड़ी खुल के दुनिया को पता हो कि हम रियासत जम्मू कश्मीर जो तकसीम है इसकी वैधता की बहाली चाहते हैं, इसकी शनाख्त की बहाली चाहते हैं और इसमें लोगों का अपना राज चाहते हैं, अपने देश पे अपना राज जो है मारूफ तरीका है, तो यानी हमें आज़ादी मुकम्मल आज़ादी चाहिए, ये बड़ा क्लियर सी बात होनी चाहिए। तो चूँकि जब हिंदुस्तान की रायामा को अगर जो वैसे वहाँ जो डेवलप हो रही है 370 बाल हो जाएगी, चलो कश्मीरी जो है वो बैक टू स्क्वेयर हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जात, वरना इससे पहले तो कश्मीरियों को तो नरसिम्हा राव के दौर में स्काई लिमिट अटॉनमी की भी ऑफर हुई, P3 की भी ऑफर हुई, इस कश्मीरियों ने बर्रा देखी, तो फिर आखिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि हमें जो मजबूर होके वो 370 को जो है वो कबूल करना पड़े या कुछ है और हमें एक ऐसी बत्ती की तरफ लगा दिया गया कि जो हमारी मंजिल ही नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपना किरदार बड़ा वाजा करना चाहिए, क्योंकि 370 के खात्मे के साथ ही वो पोजीशन जो रियासत जम्मू कश्मीर को थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो पोजीशन तो एकदम ख़त्म हो गई। मसलन उसमें उसकी जद में करारदादें आ गई जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान यूएन ने की थी, उनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, जो डिमिलिटराइजेशन का एग्रीमेंट हुआ, जो सीज फायर लाइन का एग्रीमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें इसके साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अब अगर अमलन देखा जाए तो हिंदुस्तान ने अपनी सीज फायर लाइन तो मामला ही ख़त्म कर दिया, आप अभी तक सीज फायर कह रहे हो तो वो तो एक आपको बॉर्डर वहाँ तक ले आया है। तो मैं इस मौके पर यही गुजारिश करूंगा कि हमें 370 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें अपने आज़ादी मुकम्मल आज़ादी के ऊपर बात करनी चाहिए, तो यह ना हो कि हम दुनिया ये समझने लग जाए और हिंदुस्तान पे यही रहे कि चलो कल 370 बाल हो जाती है तो कश्मीरी जो है वो मुतमिन हो जाएंगे।